हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का 18 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और मुझे बहुत सारे क्वेश्चन मिल गए आपके जीके के, करंट अफेयर के, साइंस के, मैथ के, रीजनिंग के। एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा, आप बस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। जो दोस्त अब तक चैनल साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़िए और अपने दोस्तों को बताइएगा। बेल आइकन ऑन रखिएगा, बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास हर एक शिफ्ट का नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। और देखिए दोस्तों, बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको करंट अफेयर के, साइंस के, मैथ के, ठीक है, ये सारे मैथ के क्वेश्चन आपको, रीजनिंग के, ठीक है, और बिल्कुल एंड में मैं आपको बताऊंगा कि कहां से आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, सभी सीएम की, गवर्नर की और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डेली डेली रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। मैथ के आपके कुछ चैप्टर मैं आपको बताता हूँ जिनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों, शाम के टाइम 9-10 बजे के मैं एक वीडियो अपलोड करता हूँ जिसकी मतलब बहुत लंबी वीडियो होती है वो, जिसमें पूरे इनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन होते हैं वो डालता हूं, तो उस वीडियो को जरूर देख लिया करें, ठीक है। वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है पूरे दिन के बचे हुए क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं मिलते, बाद में मिलते हैं, वो भी मैं उसमें इंक्लूड कर देता हूं, ठीक है। तो उसको जरूर देख लिया करें और चलिए स्टार्ट करते हैं। बोटनी स्ट्रीम से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कल ही मैंने ये चैप्टर आपको कवर कराया है। पाइपलाइन सिस्टम से भी आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क हो गया, ट्रेन से भी आज क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। क्वेश्चन अभी नहीं पता चले, जैसे ही पता चलता है आपको एकदम अपलोड कर दूंगा मैं चैनल पे, आप बने रहें बस, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन आ रहे हैं, HCF, LCM, CI, SI एंड बोर्ड मास से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ठीक है। एक बच्चे से बात हुई है, उसने बताया कि बोर्ड मास से आपके मतलब क्वेश्चन नहीं पता चले हैं, क्योंकि एक्चुअली बात क्या होती है, जब बच्चे बाहर निकल के आते हैं उन्हें क्वेश्चन ध्यान नहीं रहते, बस चैप्टर तो ध्यान रह जाते कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। तो जैसे ही पता चलता है मैं वैसे ही आपको बता दूंगा, ठीक है। फ्रैक्शन एंड डेसिमल से भी आपके क्वेश्चन आए, एज से भी क्वेश्चन आए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन जो मिले हैं। यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन था CI का, ठीक है। 50,000 यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट दे रखी है, यानी कि मूलधन आपको 50,000 दे रखा है। आर आपको 12%, यानी कि रेट आपको 12% दे रखा था। और यहाँ पे टाइम दे रखा था 6th मंथ, और यहाँ पे दे रखा था त्रिमासिक, यानी कि क्वार्टरली आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन त्रिमासिक का, ये क्वार्टरली वाला मैंने अभी आपको कराया था 3-4 दिन पहले, जब एग्जाम स्टार्ट नहीं होता, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में कि जब भी क्वार्टरली की बात की जाती है तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 3 महीने का 1 क्वार्टर होता है, तो 3 × 12 यानी कि 4 क्वार्टर होते हैं 3-3 महीने के, ठीक है। तो 6 महीने में कितने क्वार्टर होंगे, 2, ठीक है, 3×2 = 6, तो 2 क्वार्टर होंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये तो आपकी समझ में आ गया कि 6 महीने में 2 क्वार्टर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है कि जो 12 है ये पूरे ईयर का इंटरेस्ट दे रखा है, इंटरेस्ट रेट ये क्या है, ईयरली दे रखा है। तो इसको डिवाइड करके आप 3 महीने का निकाल लीजिए, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3 महीने में आपको सिर्फ 3% का ही इंटरेस्ट लगाना है। ये 12 लगा के गलती मत कर दीजिएगा, ये इसमें एक मतलब थोड़ा सा समझने वाली चीज थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो बस आप CI तो निकालना जानते हैं, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता रखा है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, 50,000 का 3% निकालिए, 1500 आ गया, ठीक है, फर्स्ट ईयर का आपका काम खत्म। दूसरे ईयर में 1500 तो लगेगा ही लगेगा, जो पहले ईयर में लगा था उस पहले ईयर वाले इंटरेस्ट पे 3% और कैलकुलेट कर दीजिए, 45, ये आपका 3045 राइट आंसर आ जाएगा। ये तो मतलब अगर आप यहाँ पे गलती ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे गलती कर सकते हैं कि इस पे 12% लगा देंगे, अगर आप यहाँ पे गलती ना करें तो ये क्वेश्चन आपका विद इन 10 सेकंड तक हो जाना था, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन था आपका, देखिए ये वाला ट्रिग्नोमेट्री से, इसमें दिया था आपका साइन 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री, कोट 45 और सेक आपका 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको बस इसका मान बताना था, तो साइन 60 डिग्री की मान क्या हो जाएगा, √3/2, इसका हो जाएगा आपका 1/2 और कोट का हो जाएगा 1, कोट 45 का और सेक 60 का हो जाएगा आपका 2। बस इन सभी को प्लस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 ही रहेगा एलसीएम, तो क्योंकि बेस इन दो का सेम है, तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे √3 रहेगा, प्लस 1 ही रहेगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1 है और इसके नीचे 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 4। तो इन सभी को प्लस करें, कितना होगा, 7√3 2/2, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, मतलब अगर मैं मैथ की बात करूँ तो मैथ तो बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। देखिए, एक था आपका SI से, ठीक है, SI का भी क्वेश्चन आया था, किसी मतलब ये होता है कि SI CI में से एक ही शिफ्ट में दोनों क्वेश्चन आप पूछ के, ऐसा होता है कि मतलब किसी स्टेट में आपका SI से पूछ लिया, किसी स्टेट में आपका CI से पूछ लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट जो आपकी थी 3600 थी, रेट आपका 6% था, टाइम आपका 3 ईयर था और SI आपसे पूछा था, तो ऐसा ही तो आप सभी बच्चे निकालना जानते हैं, P × R × T/100, तो 3600 आपका हो जाएगा मूलधन, प्रिंसिपल और 6% आपका रेट, और 3 ईयर का निकालना है तो इंटू कर देंगे 3 से और डिवाइड कर देंगे 100 से, 2 0 से 2 0 जाएगी, 36 × 6 और 3 करेंगे तो आपका 648 आ जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है।
और आपका एक था सेलिंग प्राइस आपको दे रखा था 45, लोस दे रखा था आपका 20% और सीपी पूछा था। जब आपको सेलिंग प्राइस आपको 45 या कुछ भी दे रखा हो उसमें लोस दे रखा हो, इसका मतलब वो 100 माइनस जो भी लोस दे रखा होगा वो वाली वैल्यू ये है, ठीक है। क्योंकि जब सेल हम किसी चीज़ को कर देते हैं लोस पे तो हम उसे 100% से कम की वैल्यू पे बेचते हैं, तो इसका मतलब ये 45 जो है ये कितने परसेंट की वैल्यू हो जाएगी, ये 80% की हो जाएगी क्योंकि इसमें 20% का लोस इंक्लूड है। और सीपी हमारी होती है हमेशा 100%, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 45 को 80 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई दीजिए। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जितने भी मुझे पता चले अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, 80 से डिवाइड करेंगे इनटू 100 से करेंगे, 0 से 0 जाएगा, 2 से 4 कट 4 टाइम और 10 को काटेंगे 2 से तो 5 टाइम। तो यहाँ पे इसको पूरे को कंप्लीट डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 56.25, ये आपकी सीपी आ जाएगी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, 56.25 इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत सारे बच्चों को वीडियोज़ नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने बहुत सारे मैथ की और रीजनिंग की वीडियो अपलोड की है ग्रुप डी के लिए स्पेशली। तो अगर आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। देखिए वीडियोज़ यहाँ पे आपको दिख रही होगी और ये फॉलो का ऑप्शन होता है, जाते फॉलो कर लीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि नोटिफिकेशन वहाँ पे भी तभी पहुँचता है जब फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद में यहाँ पे फॉलो करके वीडियो देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे बनाए हैं। यहाँ पे आते हैं कुछ जीके के क्वेश्चन पे करंट अफेयर के। तो यहाँ पे पूछा था स्लेव डायनेस्टी की शुरुआत किसने की थी, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी कहां पर है, तो ये कहां पे हो जाएगा, यूपी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, तो ये तो सभी को पता ही होगा आपका। रक्षा मंत्री पूछा गया था, देखिए बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रक्षा मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण जी है, तो ये आप सभी को पता होगा। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया कैनबरा इज द राइट आंसर, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। और एक था आपका स्मॉलेस्ट बर्ड यानी कि सबसे छोटी चिड़िया कौन सी है, तो हुमिंग बर्ड राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। लार्जेस्ट बोन फीमर हो जाएगी, थाई बोन जो जिसको हम बोलते हैं। तो ये देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। और हाँ एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अभी लास्ट में बताऊंगा वैसे, कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, सारे सीएम की मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ जो करंट में है, बिल्कुल लेटेस्ट, ठीक है। सारे गवर्नर की और जितने भी आपके कैपिटल की करेंसी की और जितने भी आसपास की कंट्री हैं उनकी कैपिटल करेंसी और उनके प्रेसिडेंट, ये सब कुछ मैं आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आज टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला है, ठीक है। लार्जेस्ट बोन हो गया आपका, ठीक है। और एक था मीना माता डिजीज किससे होती है, ये मरकरी पॉइजिंग से होती है, तो ये क्वेश्चन था। नोबल अवार्ड फॉर पीस ये क्वेश्चन था, तो इसका आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिम साउदी किस देश से है, न्यूजीलैंड से हो जाएगा इसका राइट आंसर, ये भी आपका क्वेश्चन था, ठीक है। और एक था आपका ब्लैक हील बुक का ऑथर यहाँ पे पूछा गया था, मामंग दाई इज द राइट आंसर, ठीक है। एक था आपका हुसैन लेक कहाँ पर है, ये हैदराबाद में हो जाएगा इसका राइट आंसर। नैनीताल लेक पूछा गया था, नैनीताल लेक कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल डायरेक्ट और बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, ठीक है। एक था आपका हाई स्पीड ट्रेन ऑफ साउथ अरेबिया, तो ये क्वेश्चन आपका, देखिए जितनी भी ट्रेन, देखिए आप एग्जाम दे रहे हैं किसका, रेलवे का, तो ये ट्रेन से संबंधित क्वेश्चंस तो जरूर पढ़ लीजिए। और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके मैंने ऑनलाइन टेस्ट ले रखे हैं, तो अगर आप उन ऑनलाइन टेस्ट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑनलाइन टेस्ट की पूरी सीरीज मैंने दे रखी है, वहाँ से जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हारमिन इज द राइट आंसर, ठीक है। एक है आपका इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च को होता है, ये भी सभी को पता है आपको, ठीक है। एक है हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंडिया के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, नाडा जी है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके जो बहुत ही सिंपल से पूछे जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस यहाँ पे पूछा गया था, इमानुएल मैक्रोन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक था आपका मिस फेमिन, तो अनुकृति वास राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, अनुकृति वास। वोटर डे यहाँ पे कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया, 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट एक्टर अवार्ड 2017, तो ये आमिर खान हो जाएगा, ठीक है, दंगल के लिए शायद इनको दिया गया था, आई थिंक यही राइट आंसर है। और एक आपका फिल्म फेयर अवार्ड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, एग्जैक्ट में क्वेश्चन नहीं पता है, अगर पता चलता है तो नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में कवर करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन था आपका, साइंस से RH फैक्टर डिस्कवर्ड बाई के लैंड स्टीनर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल पूछा गया था, ओस्मिम राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है।
ओस्मियम, और इसका नेक्स्ट है आपका इनर्ट गैस से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब एक्चुअल में क्वेश्चन नहीं पता है तो यही पूछा गया क्योंकि इनमें से कौन सी इनर्ट गैस है, तो इनर्ट गैस आपकी हीलियम, आर्गन, नियोन, राडन, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर जैसे और कुछ क्वेश्चंस पता चलते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, पीरियोडिक टेबल को आप जरूर पढ़ लीजिए। ठीक है, प्लांट किस हार्मोन की वजह से लाइट की तरफ झुकता है, ऑक्सीजन की वजह से, तो ये क्वेश्चन आपका था। ठीक है, 1 horsepower इक्वल किसके होता है, 746 volt के। ठीक है, एक आपका था क्लोरीन नॉन एज, यानी कि क्लोरीन को किस और नाम से जाना जाता है, डिस इन्फेक्शन के नाम से, इन्फेक्टिव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, ये सभी को पता है। हेलोजन का ग्रुप यहाँ पे पूछा गया था 17 होता है, ये क्वेश्चन भी आपका आज ही पूछा गया था। ठीक है, तो बात कर लेते हैं रीजनिंग की और उसके बाद बात करेंगे पीडीएफ की। ठीक है, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर चीज़ की मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ अभी, क्योंकि वीडियो मैं सिर्फ एनालिसिस की बना रहा हूँ और सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराता हुआ जा रहा हूँ, तो टेलीग्राम इक्वल इंपॉर्टेंट है जितना आपका यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो यहाँ पे रीजनिंग आपका से क्वेश्चन पूछा जा रहा है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, वेन डायग्राम से, स्लोगिज्म से, कैलेंडर से, क्लोक से। ठीक है, और मिरर इमेज हो गया आपका, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, ठीक है, एनालॉगी हो गया, सीरीज हो गया, ओड वन आउट हो गया, इन सभी से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, जैसे एक क्वेश्चन था रीजनिंग का कि 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था, तो ये मैं आपको कल भी बताया था, क्या करना है, डे, मंथ, ईयर और लीप ईयर, इन सभी को प्लस करके 7 से डिवाइड कर देना है। डे आपके कितने हैं, 24 है, तो इनको यहाँ पे लिख लेंगे 24। मार्च के लिए कोड क्या यूज किया जाता है, 3। देखिए कोड की भी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि बहुत से बच्चे नए हैं, अगर आपको ये ट्रिक नहीं पता है तो इसके कोड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे मार्च के लिए 3 हो गया, और ईयर यहाँ पे आपका लास्ट 100 ले लेंगे तो 106 ईयर हो गया आपका। ठीक है, और 106 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो लीप ईयर आ जाएगा निकल के, तो लीप ईयर आपके 26 होंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये टोटल कितना आ जाएगा, 159, और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, केवल 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 5 देख लीजिए, मंडे, ट्यूजडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो फ्राइडे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर 1 बचता है मंडे, 2 बचता है ट्यूजडे, इसी तरीके से आप सारे आंसर्स लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए एक ये क्वेश्चन था आपका एनालॉगी से। ठीक है, 647 और नेक्स्ट लिखा था 17 और आपका था 798 और नेक्स्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे इसको क्या किया गया है, बहुत ही सिंपल है, 647 को इन सभी को प्लस कर दिया गया है और नेक्स्ट, यानी कि प्लस करके कितना होगा 17, तो नेक्स्ट लिख दिया गया है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, 798 को प्लस करना है और नेक्स्ट लिख देना है 24, ये आपका हो जाएगा। एक था आपका सीरीज से क्वेश्चन, तो सीरीज का क्वेश्चन है आपका 544509, तो मतलब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में है सीरीज, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस किस तरीके से हो सकता है, तो माइनस हो सकता है, फिर डिवाइड करते चले जाएंगे, बट यहाँ पे बहुत ही धीरे धीरे से डिक्रीज है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, अगर बहुत ही जल्दी से डिक्रीज होता है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ डिवाइड होगा या फिर बड़ी कोई संख्या आपकी माइनस होगी, तो आप यहाँ पे इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसमें 35 माइनस चल रहा है, 35 और यहाँ पे भी 35 माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 404। ठीक है, जब 439 में से आप 35 माइनस करेंगे तो 404 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए अब बात कर लेते हैं पीडीएफ की, देखिए रीजनिंग के तो कमी क्वेश्चन मिले थे, अभी नेक्स्ट क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में बहुत सारे बच्चे निकल के ही क्वेश्चन नहीं सेंड करते हैं, वो घर पहुंच के करते हैं या फिर कहीं आराम से बैठ के करते हैं, तो वो क्वेश्चन मुझे बाद में मिलते हैं, 2-3 बजे मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आपको शाम के टाइम मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं पीडीएफ की, पीडीएफ लेने का सिर्फ एक ही समाधान है, वो है टेलीग्राम, और टेलीग्राम का लिंक सबसे पहला नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, या तो आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, फिर टेलीग्राम ऐप होता है एक, उसको प्ले स्टोर पे जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए, वहाँ पे उसको अपना नंबर वंबर भरिए, जैसे आप व्हाट्सएप चलाते हैं बिल्कुल वैसे ही उसमें कॉन्सेप्ट है, और वहाँ पे ये मैंने इसलिए बनाया था, मैंने व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ग्रुप बनाए थे बट वहाँ पे सेंड नहीं हो पाता था और बहुत सारी बच्चे इधर उधर की बातें करते थे, तो मैंने इसको यहाँ पे बनाया और यहाँ पे कितने भी बच्चे जुड़ सकते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर एक पीडीएफ मैं आपको रीजनिंग की, मैथ की, जितनी भी इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, बहुत सारी पीडीएफ मैं इसमें यहाँ पे 1500-1600 पीडीएफ अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी। और हाँ, ये मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको लेना है, अगर आपके पास अभी 5 दिन भी है तो इस ऑनलाइन टेस्ट को जरूर परचेज कर लीजिएगा। इसमें 30 टेस्ट है जो हिंदी इंग्लिश इसमें है सभी स्टूडेंट के लिए, प्राइस इसका 149 है, इसमें आपको 20% का डिस्काउंट सिर्फ टॉपिक स्टडी स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, जिसके लिए आपको कोड यूज करना है सौरभ SPL। ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, ये कोड भरेंगे तो आपको 20% का ऑटोमेटिक डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि आपका टेस्ट होगा 120 रुपये में, तो 120 रुपये में आपको 30 टेस्ट जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों में, जिनकी एक्सप्लेनेशन भी है, जिसमें करंट अफेयर, रीजनिंग, साइंस सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो, अगर आपको जरा सी भी पसंद आई है तो आपने लाइक तो कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो कर दीजिएगा, शेयर अपने दोस्तों के साथ में कर दीजिए,
लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस में लेकर आऊंगा जल्द से जल्द, और थर्ड शिफ्ट का भी, और फिर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एग्जाम के टाइम वीडियो भी प्रोवाइड कराऊंगा। तो इन सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।